या जो हमें मशवरे दिए जा रहे थे वो सही थे कि और मज़ीद सख्ती की जाए, लॉकडाउन किए जाएं, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ना जाया जाए, और मुख्तलिफ इससे फिर सीखने का, समझने का भी मौका मिला। इसके लिए जो है पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक, जो शुमारियात का इदारा है जो बाकी पाकिस्तान के लिए शुमारियात जमा करता है, उन्होंने ये सर्वे किया। और दूसरा हिस्सा मैं आपको एक दोबारा इसी लिए कि जो फ़ैसले किए जाते हैं उनके जो असरात होते हैं उसकी याद दहानी के लिए आपको दूसरी लहर के अंदर जो अभी तक मामला जिस तरीके से चले हैं उसके ऊपर भी ज़रा नज़र दौड़ाएंगे। तो ये दो चीज़ें आज हम करेंगे। पहली स्लाइड पे जाते हैं जी। ये अब आप देखिए, पाकिस्तान में तकरीबन 5.5 करोड़ लोग हैं जो मुआवजे के एवज़ रोज़गार के लिए काम करते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद है ख्वातीन की, जो घरेलू ख्वातीन हैं जो मर्दों से ज़्यादा मेहनत करती हैं लेकिन वो मुआवजे की एवज़ नहीं होता, तो इसलिए उनका शुमार यहाँ पे नहीं होता। तो 5.5 करोड़ लोग हैं तकरीबन जो मुआवजे के एवज़ रोज़गार हासिल करने के लिए घर से निकलते हैं पाकिस्तान में। ये जिस वक्त कोरोना आया और वबा फैली और उस वक्त शुरू में फ़ैसला किया गया कि लॉकडाउन किया जाए और ज़्यादातर जो कारोबारी सरगर्मियां थीं उसके ऊपर बंदिशें लग गईं, और शुरू में तो ज़्यादा कई सनतों के ऊपर भी बंदिश लगी, ट्रांसपोर्ट के ऊपर बंदिश, जो घरेलू ख्वातीन हैं जो मर्दों से ज़्यादा मेहनत करती हैं लेकिन वो मुआवजे की एवज़ नहीं होता, तो इसलिए उनका शुमार यहाँ पे नहीं होता। तो 5.5 करोड़ लोग हैं तकरीबन जो मुआवजे के एवज़ रोज़गार हासिल करने के लिए घर से निकलते हैं पाकिस्तान में। ये जिस वक्त कोरोना आया और वबा फैली और उस वक्त शुरू में फ़ैसला किया गया कि लॉकडाउन किया जाए और ज़्यादातर जो कारोबारी सरगर्मियां थीं उसके ऊपर बंदिशें लग गईं, और शुरू में तो ज़्यादा कई सनतों के ऊपर भी बंदिश लगी, ट्रांसपोर्ट के ऊपर बंदिश लगी, उसका असर हमें क्या देखने के लिए नज़र आया? तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि उनकी रोज़गार जो है वो छिन गई उनसे। ये जो पीरियड कवर हो रहा है इसमें अप्रैल से जुलाई है, लेकिन ये उसका पीक है कि उस अरसे के अंदर, और ज़ाहिर है कि अप्रैल के अंदर सबसे ज़्यादा बंदिशें थी, तो ये अप्रैल की आपको सूरत हाल की आगाही है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो रोज़गार के लिए निकलते हैं घर से बाहर, वो 5.5 करोड़ में से 2 करोड़ लोग जो है उनकी रोज़गार ख़त्म हुई, असरअंदाज हुई। और अभी आगे जाके हम आपको बताते हैं कि वो कौन लोग थे, वो किस किस्म के लोग थे जिनके ऊपर ये असर हुआ। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि उसके बाद जब ये फ़ैसले किए गए, जब वज़ीर-ए-आज़म की बिल्कुल एक वाज़े हिदायत थी कि हमने जो है वो सेहत को भी देखते हुए फ़ैसले करने हैं और लोगों का रोज़गार देखते हुए भी फ़ैसले करने हैं, बिकॉज़ पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में गरीब या सफ़ेद पोश लोग रहते हैं जो इस लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और उसी की बुनियाद फिर यहाँ पर एनसीओसी के अंदर काम किया गया। 27 मार्च को एनसीओसी बनी थी, आपको बता रहे हैं कि लिए 5 अप्रैल को पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का हमने करना है, जो एक बहुत अहम हिस्सा बना इस जो हमारी अप्रोच थी टारगेटेड लॉकडाउन्स की, वो कर दिया गया था। पायलट प्रोजेक्ट जो है हमारे टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन का जो निज़ाम बना पूरा, वो 10 अप्रैल को शुरू हो गया था, यानी 2 हफ्ते सिर्फ बनने के बाद, और 24 अप्रैल से फुल स्केल TTQ ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर कर दिया गया था, और उसी की बुनियाद के ऊपर टेक्नोलॉजी बेस्ड हॉटस्पॉट लॉकडाउन 12 मई के हो गए थे। तो चंद हफ्तों के अंदर ही ये जो फैसले हुए और उसकी वजह से हम बंदिशें हटाते चले गए और मुल्क के मुख्तलिफ जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, उनको खोलते चले गए। उसका नतीजा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस जिसको इकोनॉमिक्स की इस्तलाह के अंदर वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं, ये अब लोग गवाही दे रहे हैं कि वाकई में वो वी शेप्ड रिकवरी हुई, और तकरीबन तमाम लोग जो है वो अक्टूबर तक वापस आ चुके थे रोज़गार में, और उसके बाद हमें पता है कि नवंबर के महीने के अंदर, दिसंबर के महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन की भी एक्टिविटीज़ में तेज़ी से इजाफा हुआ है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो बड़ी सनतें हैं, उनकी रफ्तार, तरक्की की रफ्तार में तेज़ी आई है। तो उम्मीद यह है कि जब डेटा आएगा तो आपको नज़र आएगा कि वो तमाम लोग जो हैं एब्जॉर्ब हो गए।
और इसका मुकाबला करें हमारे जो हमने देखा अपने खित्ते के अंदर, हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर करोड़ों लोग बेरोज़गार और किस कस्म पुरसी और किस मुश्किल से वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, और दुनिया के ताकतवर तरीन अमीर तरीन मुल्कों के अंदर हमने यही देखा कि करोड़ों लोग जो हैं वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। और इसीलिए लॉरेंस समर्स जो हैं उन्होंने, लैरी समर्स जो बराक ओबामा के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते थे, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की तरह कोरोना की वबा के साथ मुकाबला करने में कामयाब होता तो अमेरिका के 10 खरब रुपए के नुकसान से बच सकता था। आगे हम चलते हैं जी इससे। ये कौन लोग थे, 2 करोड़ लोग थे कौन? क्या ये वो लोग थे जो मुतहम्मिल हो सकते थे इस मुश्किल वक्त में गुजरने के? तकरीबन इसमें से 29% लोग तो दिहाड़ीदार लोग थे जो नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी उनकी ऐसी होती है कि उस दिन वो काम पर आते हैं तो उनको पैसा मिलता है। इसके अलावा जो ख़ुद काम करते हैं, कोई ठेला लगाता है, किसी की छोटे सा खोखा है, ऐसे लोग जो ज़रात के बाहर जो ख़ुद काम करते हैं और या गरीब गुरबत में गरीब लोगों में शुमार होता है, ये मतवस्त तबके के अंदर तकरीबन 30% वो थे। यानी 2/3 से ज़्यादा तो ये वो लोग बने जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो उस दिन अगर उनका उनका कारोबार नहीं हो तो उनको कुछ मिल नहीं सकता। और यही वजह थी, यही हम और वज़ीर आज़म बार बार जिस बात के दोहराते थे कि हम इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे कि हम मुकम्मल तौर पर इस बात को नज़रअंदाज करके सब कुछ बंद कर दें। और बार बार जो लॉकडाउन 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 की हम पे हमारे पास सदाएं आती थी कि हमें करना चाहिए, वो ये वो लोग थे जो सबसे कम मुतहम्मिल हो सकते हैं इस मुश्किल के लिए, और कितनी बड़ी मुश्किल से वो दोचार हुए और उसका असर क्या हुआ वो हम आपको आगे दिखाते हैं। आगे आ जाइए। अच्छा, ये हैं वो कौन से सेक्टर्स थे जहाँ पर ये लोग हुआ। तो मुकम्मल अगर 100 लोग जो हैं, जो 2 करोड़ लोग हुए थे, उसको अगर मैं कहूँ कि 100 लोग थे, तो उसमें से ये कौन से सेक्टर्स थे जहाँ से लोगों के रोज़गार में नुकसान हुआ और उनकी रोज़गार बंद हुआ? इसमें तकरीबन 1/4 जो हैं वो सनत से ताल्लुक़ रखते थे, और कोई 5वां हिस्सा जो है यानी 20% जो है वो कंस्ट्रक्शन के साथ मुंसलिक थे। तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो तकरीबन ये 46% बनता है, यानी तकरीबन आप समझ लें निस हर 2 में से 1 जो है, यानी तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं वो इन 2 सेक्टर से ताल्लुक़ रखते थे। और इसीलिए अगर आपको याद हो जब हम फैसले कर रहे थे, सबसे पहले हमने जो 2 सेक्टर खोले वो सनतें थीं और वो ये कंस्ट्रक्शन का सेक्टर था। और सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोगों को मुश्किल नज़र आ रही थी हमें, सबसे पहले हमने उन सेक्टर्स को खोला, और इसीलिए वो आपको नज़र आया कि दोबारा से बहाल हुआ उनका रोज़गार। आगे चलें जी। ये तो वो थे कि जो अगर 2 करोड़ लोग में से कितने फ़ीसद किस सेक्टर से थे। अब अगर हर सेक्टर को हम उठा के देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर तकरीबन 80% वो, और ये दिहाड़ी के मजदूर हैं जो रोज़ाना मजदूरी करते हैं और कमाते हैं, उनमें से 80% का रोज़गार बंद हो गया था। अगर ये कंस्ट्रक्शन फौरी तौर पर खोलने का फ़ैसला ना किया जाता और वज़ीर आज़म की तरफ से इतनी ज़्यादा इसकी तरफ तवज्जो ना दी जाती, तो आप सोचें कि हर 5 में से 4 कंस्ट्रक्शन के अंदर मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला, वो अपना रोज़गार खो बैठा था। इसी तरीके से सनतों के अंदर 72% लोग थे जो जिनका रोज़गार खो गया था, यानी हर 4 में से 3 जो हैं वो बेरोज़गार हो गए। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, मुझे याद है इसी कमरे के अंदर बैठ के हमारी बड़ी सुबहों से इसके ऊपर भी बहस हुई, जब हम ट्रांसपोर्ट खोल रहे थे तो उसके ऊपर बहुत एतराज़ किया जा रहा था। 67% लोग जो ट्रांसपोर्ट के अंदर मुलाजमत करते हैं, यानी हर 3 में से 2 उनकी मुलाजमत ख़त्म हो गई थी। ये वो सेक्टर्स थे और इसीलिए इनको खोलना ज़रूरी था उनको तकलीफ़ से बचाने के लिए। आगे चले जी। अब ये जो है शायद सबसे अहम चीज़ है कि इसको अगर आप देखें कि असर उन पे फिर हुआ क्या, जब उनकी रोज़गार बंद हुआ तो उस पे उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या असर पड़ा। 54% लोग कहते हैं कि उन्होंने खाने पीने की अशिया के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी ख़रीदारी कम कर दी। ये तो मंतकी है और ये लोग समझते भी होंगे, लेकिन अगली 2-3 चीज़ें देखें जी। 50% लोग ये कहते हैं, यानी हर 2 में से 1 शख्स ये कह रहा है कि या उसने निस्बतन सस्ती चीज़ खाने की ख़रीदनी शुरू कर दी, और या उसने कम ख़रीदना शुरू कर दिया, उसके खाने पीने की अशिया जो इस्तेमाल करे थे वो कमी उसमें कर ली। ये उस चंद हफ्तों की बात है,
और अगर आपको याद हो ये वो अरसा है जिस वक्त लोग जो हैं मुखय्यर हजरात जो हैं वो जा रहे थे इलाकों के अंदर और वो कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पे खाने पीने का सामान पहुँचाया जा सके, और उस सूरत हाल के अंदर गाड़ियों के ऊपर लोग किस तरीके से जमा हो जाते थे वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोग खुद गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर कितनी सख्ती उनको झेलनी पड़ी। फिर एक और चीज़ आप में से चंद लोगों को शायद याद हो, मैं बार बार जब इन फैसलों की बात करता था तो मैं ये कहता था कि ये जो कहते हैं कि भूख से मरता कोई नहीं है पाकिस्तान में, तो वो शायद भूख से तो नहीं मर रहा लेकिन वो अपना गुजारा करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस्तेमाल कर रहा है। वो अगर अपनी बेटी के जहेज़ के लिए पैसे बचा रहा था तो अब वो उस पैसे को बचाने के बजाय, उस जहेज़ के पैसे को बचाने के बजाय वो अब ज़िंदगी अपने सर्वाइव करने के लिए, गुजारा करने के लिए उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर वो किसी छोटा कारोबार लगाना था, कोई ठेला उसने लगाना था या छोटा खोखा खोलना था, वो उसके लिए पैसे बचा रहा था, उसको इस वक्त ये पैसे जो हैं अगर उसका रोज़गार बंद हो गया उसको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको वही नज़र आ रहा है कि 47% लोग हैं उनमें से जिन्होंने ये कहा कि उनको अपनी जमा पूंजी जो है वो या इस्तेमाल करनी पड़ी या छोटा मोटा उनके पास अगर कोई असासा था, कोई मोटरसाइकिल थी, कोई और चीज़ छोटी थी तो उसको उनको बेचना पड़ गया। 30% लोगों ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कर्ज़ा लेकर गुजारा किया। सो ये आपको बताता है कि कितनी तकलीफ के अंदर ये लोग थे, और अगर बरवक्त फैसले ना किए जाते तो इनके साथ कितनी आगे मुश्किलात में इजाफा हो सकता था। और मेरे ख़्याल में ये खुशकिस्मती थी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पहले दिन से, जिस दिन पहली हमारी मीटिंग हुई उस दिन से उन्होंने हमें ये कहा कि बिल्कुल, जिस वक्त सारी दुनिया में कोई बात ही नहीं करता था, सिर्फ सारी दुनिया में बात ये होती थी कि किस तरीके से हमने सारा लॉकडाउन कर देना है, किस तरीके से सारे हेल्थ के निज़ाम की तरफ तवज्जो देनी है, उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी ज़िम्मेदारी एक नहीं दो चीज़ें हैं, आपने लोगों की जान की भी हिफाजत के लिए काम करना है और आपने लोगों के रोज़गार बहाल करने के लिए भी काम करना है। और उसी लिए पूरा, जैसे मैंने बताया, फौरी तौर पर किस तरीके से फैसले किए गए, किस तरीके से पूरा निज़ाम बनाया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये निकला कि चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सदर हो, तमाम लोगों ने, दुनिया ने तारीफ़ की पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की कौम ने पूरा मिलके जिस तरीके से फिर इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए ज़िम्मेदारी से अपने फ़ैसले किए, उसका नतीजा भी हमें देखने को मिला। अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। मैं दोबारा, क्योंकि कुछ लोग वो जैसे वबा के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए लोगों को आदत हो गई है तो अब लोग भूलना शुरू हो गए हैं, और कुछ ऐसी दिमाग में आता जा रहा है कि हम जो मर्ज़ी करें उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। आजकल अगर आप देखें इस वक्त बरतानिया, अमेरिका, ऐसे मुल्कों के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पर जितनी आज केसेस हो रहे हैं, जितने आज हम बात हो रहे हैं, वो पूरे 2020 में किसी वक्त में नहीं हुए। जो पहली लहर थी उससे कहीं ज़्यादा इस वक्त हम बात हो रही हैं इन ममालिक के अंदर। तो ये दिखाता है कि जब आप सही फैसले ना कर सकें और सही तरीके से काबू ना पा सकें, किस तरीके से ये वबा वापस आकर आपको नुकसान पहुँचा सकती है। तो अब ज़रा आगे चलें, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब दूसरी वबा फैलनी शुरू हुई, हमने अक्टूबर के शुरू में पहली दफ़ा ये वार्निंग देनी शुरू की थी कि दूसरी लहर आ सकती है, और जिस तरीके से हमें नज़र आ रहा था कि लोगों ने एहतियाती तदाबीर कम करनी शुरू कर दी हैं, उसके नतीजा क्या आ सकता है। और नवंबर के आखिरी हफ्ते में जब बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी होती हुई नज़र आई तो हमने ये फैसला किया कि हम जो सबसे ज़्यादा हमारा तज़िया बता रहा था कि वो जो एरियाज़, जो सेक्टर्स, वो एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा वबा में फैलाव में मदद हो रही है, यानी रेस्टोरेंट इंडोर जो हैं, क्लोज डोर रेस्टोरेंट जो थे, शादियां अंदर बंद शादियां जो हैं वो, और तालीम का निज़ाम जो, क्योंकि 5 करोड़ बच्चों से ज़्यादा उसके अंदर मुंसलिक है, हम इन तीन चीज़ों के उस वक्त फ़ैसले किए। ये आखिरी हफ्ता है नवंबर का जिस वक्त हम ये फैसला करते हैं। जब वबा का सीक्वेंस क्या होता है जी, सबसे पहले आपको कोरोना लगेगा, जैसे मैं उससे गुजरा हूँ पिछले महीने, उनमें से चंद लोग जो हैं उनकी सेहत ख़राब होगी और वो हस्पताल जाएंगे। हस्पताल जो पाएंगे उनमें से चंद की सेहत ज़्यादा ख़राब होगी और वो ऑक्सीजन के ऊपर या अल्टीमेटली वेंटिलेटर के ऊपर चले जाएंगे, और बदकिस्मती से चंद उनमें से जो होंगे वो फिर
अल्लाह ताला को प्यारे हो जाएंगे और वो वापस सेहतियाब नहीं हो सकेंगे। तो ये सीक्वेंस होता है, पहले वबा लगती है, फिर हस्पताल, फिर ऑक्सीजन और फिर उसके बाद अम्बात। अब आप ये देखिए, हस्पतालों में रोज़ाना पाकिस्तान में, तमाम पाकिस्तान में, और आपको पता है ये भी एक बड़ा मरबूत निज़ाम, पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी में हमने बनाया था, 700 से ज़्यादा हस्पताल मुंसलिक हैं इसके अंदर पूरे पाकिस्तान में, और सारा दिन इसका रोज़ाना डेटा अपडेट होता है कि रोज़ाना जो हस्पतालों में नए मरीज़ कोरोना की वजह से आ रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा दूसरी लहर के अंदर जो हमने मरीज़ देखे वो दिसंबर के पहले हफ्ते में, 30 नवंबर को जो हफ्ता शुरू होता है उस हफ्ते के अंदर हमने देखा, यानी दिसंबर का, नवंबर के आखिरी हफ्ते में हम ये फैसला देखते हैं, दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर आप देख रहे हैं कि जो हस्पतालों में कोरोना के मरीज़ आ रहे हैं उनकी सबसे ज़्यादा तादाद होती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, क्योंकि जो आपने फैसले किए थे जो दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क सेक्टर थे उनको बंद किया गया, तो उसकी वजह से वबाओ के फैलाव के अंदर कमी नज़र आ रही है और हस्पतालों में लोग आहिस्ता आहिस्ता कम जाना शुरू हो रहे हैं। अगले उसके ऊपर आइए जी। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि जब हस्पताल में जाते हैं उसमें से चंद लोग जो हैं वो उनकी सेहत ज़्यादा ख़राब होती है और उनको ऑक्सीजन पे डालना पड़ता है और अल्टीमेटली उनको शायद वेंटिलेटर पे भी जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दिसंबर के पहले हफ्ते में हस्पतालों में जो मरीज़ आ रहे थे उनकी तादाद पीक की और कम होना शुरू हो गई। उससे एक हफ़्ते बाद, ये वही एक हफ़्ते का पीरियड है जिसमें मैंने कहा कि तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो फिर ज़रूरत पड़ती है, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में यानी 7 दिसंबर को जो शुरू हुआ हफ़्ता उसमें सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ ऑक्सीजन के ऊपर दूसरी लहर के अंदर पाए गए और 2,511 औसतन मरीज़ थे उस हफ़्ते के अंदर और उसमें से वेंटिलेटर के 353 मरीज़ थे जो सबसे ज़्यादा मरीज़ उस दिन उस हफ़्ते के अंदर औसतन वेंटिलेटर के ऊपर थे और उसके बाद अगले हफ्ते से उसके अंदर आपको कमी आती नज़र आ रही है और वो पिछले हफ्ते के अंदर ये औसत जो है वो 2,511 से कम होकर 2,255 पे आ गई। इससे आगे चलते हैं जी, और ये है अम्बात दूसरी लहर के अंदर। दोबारा मैं दोहराऊंगा, नवंबर के आखिरी हफ्ते में हम फैसले करते हैं बंदिशों के, दिसंबर के पहले हफ्ते में आप देख रहे हैं कि मरीज़ों की जो आमद है हस्पताल में कोरोना की वजह से वो पीक करती है और उसके बाद उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है, दूसरे हफ्ते में ऑक्सीजन पीक करती है फिर उसमें कमी आनी शुरू करती है और तीसरे हफ्ते के अंदर आप देखते हैं कि आपकी जो अम्बात हो रही है कोरोना की वजह से वो पीक करती हैं और उसके बाद उसके अंदर आपको कमी आनी शुरू हो जाती है। इससे वाज़े साफ नज़र आ रहा है कि जो फैसले किए जाते हैं, जो लोगों का रवैया होता है, बराहे रास्त उसके नतीजे के अंदर फिर हमें असरात नज़र आते हैं। इसलिए मैं आपसे तमाम लोगों से अपील करूँगा कि आगे भी एहतियात जारी रखें। आपको पता है कि हुकूमत जो है वो वैक्सीन हासिल करने के लिए तेज़ी से फैसले कर रही है, हमने काबीना की अप्रूवल भी मिल गई थी, चाइनीज़ जो कंपनी है साइनोफार्म उनके साथ बातचीत भी शुरू हो गई है और इंशाल्लाह ताला जल्द हम आपको इस सिलसिले में अच्छी खबर भी देंगे कि वो जो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, जो हमारा हॉस्पिटल का सेहत के निज़ाम का अमला है जो डील करता है कोरोना के मरीज़ों के साथ, उनके लिए कम से कम जो है वो जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाएंगी और उसके बाद तेज़ी से आप देखेंगे दूसरों के लिए भी। लेकिन ये सब कुछ होने में टाइम लगेगा और यही वजह है कि आज भी यूरोप हो या अमेरिका हो वहाँ पे बेतहाशा बंदिशें लगी हुई हैं, जिनके पास अरबों डॉलर हैं वैक्सीन ख़रीदने के लिए वो भी अभी तक एहतियात कर रहे हैं और उसके बावजूद मुश्किलात में हैं। तो आप सबसे ये अपील है कि थोड़ा सा और अरसा रह गया है, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है, हुकूमत ने बरवक्त अच्छे फैसले किए हैं, अवाम ने मदद की है, मीडिया ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है इस पैगाम को अवाम तक पहुंचाने के लिए। ये अल्लाह ताला के फजल से जो कामयाबी हासिल हुई है और बेहतरी हमने देखी है इसके ऊपर अब हमने आखिरी वक्त में ये नहीं होना चाहिए कि हम बेएहतियाती शुरू कर दें और हम खुदा ना खास्ता जैसे दूसरे चंद ममालिक हैं जहाँ पे हमने तेज़ी से वबा का दूसरा, कुछ मुल्कों में तीसरी लहर भी हमने देखी है, हमें उससे बचना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।